नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम किनोवा के पुलाव बनाएंगे, तो ये बहुत ही डाइट के लिए आजकल चलन में है, सुपरमार्केट में इजीली मिलता है, तो बहुत ही टेस्टी सा ये इसका पुलाव बनाते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा किनोवा लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से बाजरे जैसा दिखता है, छोटे छोटे दाने होते हैं और ऑनलाइन और सुपरमार्केट में मिल जाता है। तो इसे हमें अच्छे से धोकर पानी में एक घंटे के लिए तो कम से कम भिगोना ही है, तो आप ये ध्यान रखिए इसे भिगोना ज़रूरी है। सब्जियों में देखिए, मैंने प्याज है, मटर है, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी ली है और मसालों में जीरा है, काली मिर्च है और एक इलायची है। तो आप सब्जियां और कुछ भी अपने टेस्ट से आप ले सकते हैं इसमें। तो आइए बनाते हैं इसे। तो एक पैन में देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, तेल गर्म होने पर जीरा काली मिर्च का तड़का लगा दिया है, इलायची भी डाल दी है। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हम प्याज डालेंगे। तो प्याज को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक कुक करना है, 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए, हम गाजर डालेंगे, इन्हें भी मिलाएंगे और अब बाकी बची हुई सभी सब्जियां डाल देंगे। तो सब्जियां देखिए, आप इसमें और भी डाल सकते हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, कुछ भी अपने टेस्ट से। यहीं पर हम नमक डालेंगे और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसे 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब देखिए, जो मैंने किनोवा भिगोया था उसका पानी अच्छे से निकाल लिया है, तो इसको भी हम सब्जियों के साथ डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे सब्जियों और मसालों के साथ हम भून लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद देखिए, इसमें हम पानी डालेंगे। अब तो देखिए, मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा किनोवा लिया था, तो इसमें मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, तो हमें दुगने से ज़्यादा पानी लेना है। तो ये कुक होने में टाइम लगता है, तो पानी सूख जाता है, तो ज़्यादा थोड़ा पानी डालें आप। देखिए, यह बॉईल हो गया है, फुल गैस पर मैंने रखा था। बॉईल होने के बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और कम से कम 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। देखिए, 10-15 मिनट के बाद ये इतना सूख गया है। अब इसे हम फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसे 20 से 25 मिनट लगेंगे कुक होने में। तो ये देखिए, बनकर रेडी है, ये पानी अच्छे से सूख गया है। तो अब इसे हम ढक कर फिर से 5 मिनट छोड़ देंगे, गैस बंद कर दी है, तो बहुत खिला खिला पुलाव बनेगा। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा खाना है तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल दें। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा किनोवा का पुलाव तैयार है। तो आप ध्यान रखिए, आप आधा पौना कटोरी में 2 कटोरी पानी डालें, बहुत ही अच्छा पुलाव बनेगा। तो ये हेल्दी सी डाइट रेसिपी को आप खाइए।